ईद उल फित्र की नमाज मुंबई के वाईएफसी मैदान में अदा करी गई। यहाँ पर तमाम हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे और ईद उल फित्र की जो नमाज है वो अदा करी। और यहाँ पर नौजवान बच्चे, छोटे बच्चे और बूढ़े तमाम लोग थे। देख सकते हैं बच्चों की जो है आज ईद होती है। बेटा आज क्या है? बोलो ईद है। देखिए ईद है, ईद के मौके पर आप लोग क्या करेंगे? हम लोग खुशियाँ मनाएंगे, शीर खुरमा पियेंगे, सबको ईद मुबारक कहेंगे, खानदान वालों को, रिश्तेदार दोस्तों को, और खुशियाँ मनाएंगे, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। क्या कहेंगे आप ईद के मुबारक मौके? सबसे पहले तो आपको और आपके माध्यम से जो भी देख रहा है सब लोगों को बहुत बहुत ईद की शुभकामनाएं, सबको ईद मुबारक। और ये इंतज़ाम यहाँ पे बहुत बढ़िया है, कई सालों से चल रहा है और काफ़ी लोग यहाँ पे सब खुद भी मिल रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। देखिए यहाँ पर तमाम जो लोग हैं ईद की शुभकामनाएं दे रहे हैं, क्या है आज क्या कहेंगे ईद के मौके पर आप? सभी मुस्लिम भाइयों को भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो और फ़लस्तीन के लिए दुआ कीजिए कि उनकी भी ईद अच्छे से जाए। देखिए यहाँ पर तमाम जो लोग हैं, मैं दिखा दूँ, ये पूरा जो ईदगाह का मैदान है ये पूरा जो है और वो भरा रहता है। और यहाँ पर तकरीबन हज़ारों की संख्या में जो थे और ईद उल फित्र की जो नमाज़ है वो अदा की गई यहाँ पर। और यहाँ पर तमाम तमाम जो लोग थे, चाहे बुज़ुर्ग की बात करें, बूढ़ों की बात करें, बच्चों की बात करें, तमाम जो लोग हैं वो ईद उल फित्र की जो नमाज़ है वो अदा करने के बाद अपने घरों की तरफ जाएंगे। और जो अपने रिश्तेदार हैं, अपने दोस्त अहबाब हैं, उनसे कहीं ना कहीं जो ईद की खुशियाँ हैं वो बांटी जाती है। और आज का जो दिन होता है वाकई में शीरकुरमे का दिन होता है और वाकई में तमाम जो लोग हैं वो शीरकुरमा जो है एक दूसरे को वो पिलाते भी हैं। और अगर यहाँ पर मैं बात कर लूँ तो मुंबई पुलिस की तरफ से एक ख़ास तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। ये मुंबई पुलिस की तरफ से जो है यहाँ पर जो है वो फूल का इंतज़ाम किया जाता है। यहाँ पर मुंबई पुलिस की तरफ से थोड़ा सा फूल का इंतज़ाम किया जाता है और यहाँ पर तमाम लोगों को जो है वो फूल बांटा जाता है। मुंबई पुलिस की तरफ से हर टाइम जो है वो फूल दिया जाता है। जितने भी जो लोग जो नमाजी आते हैं यहाँ पर उन लोगों को देते। सर हर साल जो है आप फूल बांटते हैं नमाजियों को, किस तरीके का माहौल लगता है? माहौल तो बहुत बढ़िया है। आज सुबह से जो भीड़ दिखी यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। आप सबको ईद मुबारक है। देखिए मुंबई पुलिस की बात करें तो मुंबई पुलिस हमेशा जो है सुरक्षा को लेकर चाको चौबंद रहती है। सर आज ईद का त्यौहार है, बच्चों के साथ ईद की खुशियां जो है तमाम लोग मनाते हैं। अगर मुंबई पुलिस की बात करें तो मुंबई पुलिस चाहे ईद हो, बकरीद हो, होली हो, दिवाली हो, चाहे गणपति हो, तमाम जो त्यौहार है हम देखते हैं हमेशा जो मुंबई पुलिस जो रहती है चाको चौबंद रहती है। ईद के मौके पर क्या संदेश देंगे देशवासियों? ईद के मौके पर बस सबको ईद मुबारक बोल सकता हूँ। देखिए सबको ईद मुबारक मुंबई पुलिस की तरफ से भी दिया जा रहा है। और ईद के मौके पे ख़ास तौर पे हम ये देखते हैं कि वाईएमसी मैदान में जो पुलिस वाले हैं वो जो ईद से ईद की नमाज़ पढ़ के जो निकलते हैं उनका कहीं ना कहीं फूलों से जो है वो स्वागत करते हैं।